जेई मेन 2019 का एक क्वेश्चन है जो एल्कीन पर बेस्ड है और थोड़ा इसमें ईथर का भी एक छोटा सा टच है. ठीक, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज क्या है. बेंजीन रिंग के ऊपर एक तरफ OCH3 लगा हुआ है और पैरा पोजिशन पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है, यानी एक एल्कीन है और एक ईथर है. बेंजीन रिंग के होने का अपना जो इम्पैक्ट है वो होगा. HBr के एक्सेस में रिएक्शन करवाई जाती है हीटिंग के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. चार ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है कि यहाँ OH लगाया और Br जो है वो डबल बॉन्ड के राइट में लगाया. एक बार ऑप्शन है कि यहाँ OH किया और Br डबल बॉन्ड के लेफ्ट में लगवाया. एक बार ऑप्शन ये है कि ईथर को एज इट इज रहने दिया और Br कभी राइट में कभी लेफ्ट में लगाया डबल बॉन्ड के. ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन है. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं और इसमें ईथर भी थोड़ा सा रिएक्ट करेगा. आपको तो पता है कि ईथर बड़ा इनर्ट मटेरियल है, वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम नहीं करता, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एसिडिक मीडियम में ईथर रिएक्शन करता है. और यही ईथर और एल्केन के साथ थोड़ा डिफरेंशिएशन है. एल्केन्स आर ऑल्सो हाईली इनर्ट कंपाउंड्स एंड ईथर्स आर ऑल्सो हाईली इनर्ट कंपाउंड्स, बस ईथर रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम, एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम टू. ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो. आपने लिया हुआ है यहाँ पर एक ईथर का ग्रुप पैरा पोजिशन पर और इधर सामने की ओर है एक डबल बॉन्ड. ठीक है भाई, अब HBr से H+ ने आना है. H+ आएगा तो ऑक्सीजन पर भी आएगा और डबल बॉन्ड पर भी आएगा क्योंकि HBr एक्सेस में लिया गया. तो क्या सीन बन जाएगा जरा देखो. ये यहाँ पर प्रोटोनेशन कर लेगा, ठीक है, और इसको OCH3 को जाना पड़ेगा यहां से और साथ में ये जो बेंजीन रिंग है इसके बाहर डबल बॉन्ड के दो कार्बन्स हैं, एक कार्बन लेफ्ट में है एक कार्बन राइट में है. H+ किसी एक पर आएगा और H+ जिस कार्बन पर आएगा उसके पास वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन बनने वाला है. तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा, बेंजीन के पास या बेंजीन से दूर. बेंजीन के पास ऑफकोर्स, तो इसलिए प्लस चार्ज यहां बनेगा और एच यहां आ जाएगा. तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑक्सोनियम आयन है वो प्लस और एक है कार्बोकैटायन. Br- को मौका मिलेगा, Br- एक्सेस में है. यहां पर ईथर के साथ जब Br- आएगा, ईथर के साथ जब Br- आएगा तो SN2 के थ्रू ये इस बॉन्ड को ब्रेक करवा के यहां SN2 अटैक करवा देगा. SN2 अटैक और यहां पर कार्बोकैटायन बस सीधा ये अटैक कर लेगा, ये SN1 जैसी रिएक्शन हो जाएगी. अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वैसे ये. ठीक है ना, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम पर तो ये बन जाएगा OH और CH3Br अलग हो जाएगा. ठीक है ना, और इधर की ओर यहां पर ब्रोमो आ जाएगा और यहां पर H पहले से ही आ चुका है. इन्होंने केवल इस प्रोडक्ट को मेंशन किया, इसको नहीं किया. ठीक है ना, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आंसर हो जाएगा आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नोट करें इसको.